नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन चैनल 36 में फिर से स्वागत है आपका। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बाल के बारे में बताऊँगा, बिल्कुल स्पष्ट बताऊँगा और दिखाऊँगा भी कि जो भी बिना एज में ही बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग को भी आजकल बाल में सफ़ेदी हो जा रही है, तो उससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं आप ये घरेलू नुस्खा अपना कर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपको जाएगा। तो ये देखिए, आप इसको बोलते हैं कढ़ी का पत्ता, यानी इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। तो ये बाल काला करने के लिए सबसे आसान तरीका है। इसके कुछ पत्ते हम तोड़ लेंगे, ये देखिए, इसको मीठा नीम भी बोलते हैं, कढ़ी का पत्ता भी बोलते हैं। तो हमने इसके कुछ पत्ते तोड़ लिए हैं। इसको खाने में भी इस्तेमाल आदमी करते हैं, कढ़ी का पत्ता बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, तो दूसरा चीज़ जो हम मिलाएंगे, तो ये आप अच्छी तरह से देख लें इसे क्या बोलते हैं। तो बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसमें केमिकल मिलाया हुआ रहेगा। अगर घर का रहे तो ज़्यादा अच्छा है, या किसी आयुर्वेदिक दुकान से ये ख़रीद सकते हैं। तो इसे हम लोग मेहंदी बोलते हैं, मेहंदी। दूसरा जो व्यंजन हम लोग इसमें मिलाएंगे, इसमें मेहंदी के कुछ पत्ते सिसुर लेंगे, थोड़े से मेहंदी के पत्ते हम लोग सिसुर लेंगे और इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। इससे आपको कुछ दिन करने के बाद ही बाल बिल्कुल सही ढंग से काले होने लगेंगे, आप खुद यकीन नहीं, बशर्ते कि इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको संयम रखना पड़ेगा खुद पे और साबुन का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि साबुन में ऐसा केमिकल जो मिलाया रहता है ना, जो बालों के लिए बहुत हानिकारक होता है। आज बेसमय जो समय है बालों का सफ़ेदी होना, यही वजह है जो साबुन हम लोग केमिकल वाला ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगला जो मिक्स करेंगे वो बताते हैं। तो देखिए, ये छोटी सी खल है, इसमें हम मिला के दिखाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ी का पत्ता मिला रहे हैं इसमें, कढ़ी का पत्ता का स्वाद ही अलग है, बिल्कुल अच्छा लगता है। इसके दाल उल भी बनते हैं। ये देखिए, इसे डंटी को ऐसे सिसुर लेंगे, इसमें खल में डाल देंगे। अब ये देखिए, ये जो मैंने दूसरा चीज जो लिया है वो इसको कलौंजी बोलते हैं, बनिया के दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं लास्ट में इसको बता दूंगा कि एक और नाम है जिसे लोग नहीं जानते हैं। तो इसको भी खल में मिला लेंगे। और फिर मैंने मेहंदी के कुछ पत्ते जो है उसमें खल में मिला लिए। आप चाहे तो इसे मिश्री में पाउडर भी बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं मिलाना चाहूँगा, जो वीडियो को देखते रहें हम कभी भी मिला देंगे। तो इसको डंटी को सिसुर के निकाल देंगे। पूरा बारीक पाउडर बनाना है आपको। बाल काला करने का सबसे आसान तरीका है, और इस नुस्खा को आप अगर कुछ दिन करते हैं तो आप रिजल्ट खुद देखेंगे। मैं क्या बताऊं, आप इसको करके देखें।
नेचुरल चीज़ है, नेचुरल तरीके से ही काला होना चाहिए। बार बार जो बाज़ार में हम लोग जो केमिकल यूज, तो जो भी थोड़े से बाल जो काले हैं वो केमिकल के वजह से उनको भी ख़राब होना पड़ता है। तो आप ये देख लीजिए, मैं अब इसको एक और चीज़ मिलाना है जो बिल्कुल आसान तरीका है, वही मिल जाएगा। आसान जो भी मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा और आसानी से मिलने वाला। वीडियो को स्किप करके ना देखें, ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये नुस्खा आप ज़रूर से ज़रूर आजमाएं। बाज़ार की चीज़ पे भरोसा नहीं है, बाज़ार पे मत जाइए, क्योंकि जो भी आपके थोड़े बहुत काले बाल हैं उनको भी केमिकल जो मिलेगा ना, उनको भी बाल के ऐसे कर देंगे कि आपको मजबूरी हो जाएगा कि आपको डाई करना पड़ेगा, मजबूरी आपकी हो जाएगी। तो वैसा ना करें, इस चीज़ को आजमाएं। और इससे कई कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि जो केमिकल लगाते हैं तो उनको सर्दी भी पकड़ लेती है जिनका एलर्जी होता है। तो ये तो बिल्कुल रामबाण उसका है। खल में बिल्कुल अच्छी तरह से कूट लेंगे। अब इसको बारीक पीस लेंगे आप पाउडर की तरह। मैं लगा के भी दिखा देता हूँ अपने बालों पे ही। बस इसमें पानी मिला देंगे, इसको अच्छी तरह से लेप लगाए। आप मिक्सी में कर ले ज़्यादा अच्छा है, अगर घर पे मिक्सी हो तो। ये देखिए आप बालों